जॉब एप्लीकेशन के साथ क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपके सामने है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस और सब्जेक्ट, ये ऑलमोस्ट एक जैसा रहेगा। आपको सब्जेक्ट के अंदर ये जरूर डाल देना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट होगी उसके बारे में उसका डिटेल आ जाएगा। उसके बाद सर, सर के बाद एक्चुअली जब जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं या जॉब एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो वो किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू लिखी जाती है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, आपने जो एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दिया था उसके रेफरेंस के थ्रू लिख रहे हैं हम लोग इन न्यूज़पेपर। ऑन किस दिन को आया था वो बता देंगे, फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए आपने डाला है आप उसके लिए बताएंगे पोस्ट ऑफ दिस। फिर आप लिखेंगे करंटली आई एम वर्किंग इन, आप लिखेंगे आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, उस कंपनी के बारे में लिख देंगे। एज माई फैमिली इज स्टेशन, तो आप लिखेंगे मेरी फैमिली जो है स्टेशन है या फिर रहती है इन जयपुर, जयपुर में रहती है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू सर्व देम, और उनको वहां पे सर्व करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो आई नीड जॉब हियर, मतलब मैं अब चाहता हूँ कि मैं जयपुर में ही जॉब करूं, मतलब आपके यहाँ पे हियर मतलब जयपुर में ही जॉब करना चाहता हूँ। आई कैन अश्योर यू माई बेस्ट, मैं आपको अश्योर करता हूँ मैं अपना बेस्ट आपको दूंगा। आई एम इंक्लोजिंग माई सीवी फॉर योर एज वेल, आप लिखेंगे कि मैं अपने नेक्स्ट फर्दर जो भी आप चेक करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन करना चाहते हैं उसके लिए मैंने अपना सीवी भी रिज्यूम किया है उसके साथ इंक्लोज कर दिया है। और फाइनली थैंक यू, एक लाइन का गैप यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे देने के बाद योर्स ट्रूली आपका सिग्नेचर और नीचे की तरफ आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखा जाएगा, जिसमें ऊपर की तरफ बिल्कुल सेम चलेगा। फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करना, जिसमें लिखेंगे दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर ऑन फैब, या जो भी डेट दे रही थी तो प्रीवियस डेट पे आएगा, प्रीवियस डेट फॉर द पोस्ट ऑफ, उस पोस्ट का नाम लिख देंगे। आई एम वर्किंग, अभी आप बताएंगे आप कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। एज माई फैमिली इज स्टेशन, अभी मेरी फैमिली स्टेशन हो चुकी है जयपुर, लाइक मेरी फैमिली जयपुर में है और उनको वहां पे सर्व करना बहुत मुश्किल हो रहा है, दैट्स व्हाई मैं वहां पे जॉब करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी कंपनी में जॉब कर लूँ। एंड मैंने अपना जो सीवी है इसके साथ में इंक्लोज कर रखा है, साथ ही साथ लिखेंगे थैंक यू, एक लाइन का गैप दे देंगे साथ के साथ। फिर योर्स ट्रूली, जिसमें वाई कैपिटल चलेगा, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, एक सिग्नेचर हो जाएगा आपका और नीचे की तरफ डेजिग्नेशन आ जाएगा। तो जॉब एप्लीकेशन में ये तो आपकी रहेगी एप्लीकेशन, इसके साथ में एक आपका सीवी भी रहता है, वो सीवी में आपको बताना सिखा रहा हूँ इसकी सीवी इसके बाद कैसे बनता है। तो चलिए सीवी के लिए स्टार्ट करेंगे। ये है आपका सीवी का फॉर्मेट। इस सीवी के फॉर्मेट में जैसे आप जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट करते हैं तो जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद अगले ही पेज पे आपको बनाना पड़ता है सीवी, जिसमें सबसे ऊपर आएगा नाम, फिर आएगा एड्रेस, एड्रेस के बाद आएगा डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद आएगा मैरिटल स्टेटस, सिंगल है या मैरिड है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या ले रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, साथ के साथ वर्क एक्सपीरियंस आएगा, वर्क एक्सपीरियंस के बाद एक्सपेक्टेड सैलरी आ जाएगी, एक्सपेक्टेड सैलरीज के बाद आएगा रेफरेंसेस जो आप देना चाहते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सीवी में इंक्लूड करनी पड़ेगी। ये सब चीजें इंक्लूड करने के बाद आपका सीवी कंप्लीट हो जाएगा और इस तरीके से आपकी जॉब एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। तो जॉब एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन भी लिखना है और साथ के साथ एक सीवी बनाना है और वो उसके साथ में अटैच कर देना है, दोनों चीज मिलाने के बाद आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा जॉब एप्लीकेशन का कंप्लीट फॉर्मेट, और आगे के फॉर्मेट्स के लिए देखते रहिए इकोजेड। बाय।